करने वाले हैं वह चर्चा है स्पेशली ज्ञान की चर्चा। ज्ञान की चर्चा जो नौवे नंबर के सूत्र से चालू होगी वो नौवे नंबर के सूत्र से लेकर बढ़ती हुई तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के अंत तक जाएगी। इसीलिए अभी अपन जिसका टॉपिक चालू करेंगे वह है ज्ञान का प्रकरण। देखिए तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय की स्लाइड आपके सामने आ रही है, उसमें तत्वार्थ सूत्र का है। अब दूसरे नंबर का ये 9 नंबर का सूत्र है उस पर जरा आप ध्यान दीजिए। उसमें लिखा हुआ है मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। हम जरा सूत्र का उच्चारण करेंगे। मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम, बोलिए मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम। एक बार और बोलिए मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम। देखिए क्या क्या बोला यहाँ पर कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? बोले 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? तो पहला मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मन परे ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। ये लगभग लगभग हम सब मुखों को पता होगा और लगभग लगभग इनका स्वरूप हम आगे चर्चा में भी लेंगे, इसीलिए अभी इस विषय को हम ज्यादा आगे नहीं लेते। यहाँ पर विस्तार एक बात पर जो मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले सूत्र के प्रकरण में ये समझा था, पहले सूत्र के प्रकरण में क्या समझा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, क्या समझा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्राणी, ये तो लिया बहुवचन में, और फिर मोक्ष मार्ग लिया एक वचन में, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी अलग अलग नहीं है, ये तीनों को एक मिलाकर ये ज्ञान होता है, मोक्ष मार्ग होता है। वैसे ही यहां पर भी एक बात पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि मति श्रुत अवधि मना परे केवलानी, ये 5 भेद बताए, केवलानी ये 5, और फिर ज्ञानम कह के एक वचन ले लिया। यानी आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना फलम फले फलानी की फल, मतलब एक तो हुआ बहुवचन वाला, तो केवलानी और फिर एक वचन में क्या लिया ज्ञानम। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के एक ज्ञान के भेद है। मतलब समझ में आया कि ये 5 ज्ञान ऐसे पर्याय के एंगल से भले ही अलग अलग हो लेकिन ये 5ों के 5ों एक ज्ञान, यानी एक ज्ञान के भेद है, सम्यक ज्ञान के भेद है, कोई अलग से नहीं, ज्ञान सामान्य ही है। बात समझ में आई? जैसे 5 साल का मैं, 15 साल का मैं, 25 साल का मैं, 50 साल का मैं, ये जो 5, 15, 25 और 50 हैं, वो 5, 15, 25 और 50 हैं क्या? बोले 5, 15, 25 और 50 ये मेरी ही अवस्थाएं हैं। ऐसे ही मति श्रुत अवधि मना परे और केवल, ये 5 की 5 क्या हैं? बोले 5 की 5 मेरी ही अवस्थाएं हैं, ये मेरे ही दशाएं हैं। इसीलिए यहाँ पे शुरुआत में लिया मति श्रुतावधि मना परे केवलानी, यहाँ लिया बहुवचन और लास्ट में कर दिया ज्ञानम, कि एक ही ज्ञान की 5 दशाएं हैं। ऐसा नहीं समझना कि 5 अलग अलग प्रकार का ज्ञान इसमें प्रयोग हो रहा हो, एक ही ज्ञान है जो 5 प्रकार से वहां पर बताया जा रहा है। अब देखो आगे अपन चर्चा करते हैं। अब उस 5 ज्ञान में से 2 भेद हमने किए, 2 भेद इस मेरे हिसाब से आप एक आगे की चार्ट देख लोगे तो आपको ज्यादा ख्याल में जाएगा सूत्र को। देखो ये एक बहुत बढ़िया चार्ट यहाँ बना हुआ है, इसको आप देखो फिर अपन फिर से पीछे चलेंगे। देखो प्रमाण मतलब क्या होता है? बोले 5 प्रकार के ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण है मतलब जानने के साधन है। प्रमाण की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। क्या है परिभाषा? कि जिसके द्वारा जाना जाए,
यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रमाण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। प्रमाण शब्द का अर्थ मापना भी होता है, प्रमाण शब्द का अर्थ प्रामाणिकता भी होता है, प्रमाण शब्द का अर्थ प्रमाण पत्र भी होता है, लेकिन यहाँ प्रमाण का मतलब जानने के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। किसके रूप में? जानने के साधन के रूप में। तो ये जो पांच प्रकार के जो ज्ञान हैं, ये पांच प्रकार के ज्ञान जानने के साधन हैं, ये कहना चाह रहा है। अब वो जानने का साधन दो प्रकार से होता है, एक तो प्रत्यक्ष जानना होता है और परोक्ष जानना होता है। अब हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष और परोक्ष की डेफिनेशन आप पिछले सूत्रों में जाके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ख्याल में आएगी कि परोक्ष मतलब क्या है और प्रत्यक्ष मतलब क्या है। तो देखो जरा एक पिछला सूत्र आपको बताते हैं, ये आपको ख्याल में जाएगा कि हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा वो नहीं है जिसे हम कहते हैं कि साहब हम कहते अपन कहते हैं ना लौकिक में, अरे भैया हमने तो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। यहाँ कह रहे आंखों से जो दिखता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, वो परोक्ष होता है। बराबर, हम कहते हमने अपनी जीभ से चखा है, हमने अपने कानों से सुना, हम साक्षात वहां पर उपस्थित थे। ध्यान रखना, यहाँ पर तत्पाद सूत्रकार कह रहे हैं कि अक्ष मतलब होता है आत्मा, और जो ज्ञान सीधे आत्मा से उत्पन्न होता है वही ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। अक्ष मतलब जो ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न हो वो ज्ञान परोक्ष कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य इतना है कि दुनिया में हम परोक्ष को दो भागों में डिवाइड करते हैं, कि परोक्ष में ही भेद कर देते हैं। कौन सा वाला? कि बोले जो ज्ञान आंखों से इंद्रियों से उत्पन्न हो रहा है उस ज्ञान को हम कह देते हैं प्रत्यक्ष, और जिस ज्ञान में आंखों इंद्रिय आदि का सपोर्ट नहीं होता उस ज्ञान को, कल्पना पर आधारित हो, अनुमान पर आधारित हो, उस ज्ञान को हम कह देते हैं परोक्ष। जैसे क्रिकेट का मैच हो ना, क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप का फाइनल, तो जो ग्राउंड में देख कर आए वो कहता है हमने प्रत्यक्ष देखा, सजीवर देखा, साक्षात देखा, और जो टीवी पे देख रहा है वो कहता है हमने तो परोक्ष देखा। फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों को देखने का बड़ा क्रेज होता है ना, कि पर्दे पर देख लिया तो अरे वो तो परोक्ष देखा, और साक्षात देख लिया अरे सेल्फी दे दो, ऑटोग्राफ दे दो, ये कह के देखा तो बोला प्रत्यक्ष देख लिया। भाई साहब, जिनवाणी कहती है कि पर्दे पर देखना तो परोक्ष है ही, साक्षात भी देख लो वो भी परोक्ष है। मैं इसके साथ ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि लोगों को कितना ज्यादा आकर्षण होता है। आप विचार करके तो देखो, भाई हाड़ मास के शरीर वाले वो अभिनेता अभिनेत्री हैं, बराबर, और अगर कभी कभी जन्मदिन, आज भी अमिताभ बच्चन का जन्म, रोज उसके घर के आगे हजारों लोग खड़े होते हैं, और वो आता है ऐसे हाथ मिलाता है, सब ऐसे कृतकृत्य हो जाते हैं जैसे भगवान के दर्शन होगा। अरे भैया, साक्षात में तो तुम्हें वो पर्दे से खराब दिखते हैं, क्योंकि पर्दे पर दिख रहा है वो तो 17 प्रकार के मेकअप के कारण हो रहा है, रियल में तो और खराब लगते हैं। अगले रजनीकांत ही थोड़ी खराब दिखता है, सारे कांत खराब दिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ध्यान रखना, ये चीज जानने से क्या आकर्षण उत्पन्न हुए, एक बात समझ में आती है। ये जानने से हमें ये समझ में आता है कि गजब है जिसे हम प्रत्यक्ष परोक्ष कह रहे हैं, वो परोक्ष तो परोक्ष है ही, लेकिन जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं वो प्रत्यक्ष भी परोक्ष है। इसीलिए जैसे परोक्ष के विषय में हमारा ज्यादा आकर्षण नहीं होता ना, हम सोचते हैं क्या देखना, शिमला देखना तो परोक्ष देख ले तो क्या मजा है, प्रत्यक्ष देख के आए तो बड़ा मजा है। अरे भाई, वो तुम्हारा प्रत्यक्ष भी परोक्ष है। स्विट्जरलैंड फोटो मोबाइल यूट्यूब में देख लो तो क्या मजा है, डायरेक्ट देख के आओ तो ज्यादा मजा है। अरे वो भी तुम्हारा प्रत्यक्ष भी परोक्ष है। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ज्ञानी को है, अवधि ज्ञानी को है, मनःपरे ज्ञानी को है, क्योंकि उनका वह ज्ञान सीधे आत्मा से उत्पन्न होता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष की परिभाषा में भी आया कि जो ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता हो वो प्रत्यक्ष, और जो ज्ञान आत्मा के अलावा, मतलब पर से क्या लिया, यहाँ पर पांच इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न हो, लाइट के कारण उत्पन्न हो, उपलेक्षर से उत्पन्न हो,
मन की सहायता से उत्पन्न हो, अन्य और किसी कारण से उत्पन्न हो, तो सारा का सारा ज्ञान क्या कहलाता है? परोक्ष कहलाता है। वही बात यहाँ पर आ रही है कि प्रमाण के दो भेद हुए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो हमारा अभी जो भी ज्ञान है मति श्रुत ज्ञान, वो मति श्रुत ज्ञान कौन सी कैटेगरी में आता है? परोक्ष ज्ञान की कैटेगरी में। और शेष जो तीन ज्ञान है कौन कौन से? अवधि, मनापरि और केवल, ये तीनों ज्ञान कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान की कैटेगरी में आते हैं। अब उसके दो भेद है सकल प्रत्यक्ष, उस पर अपन विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। तो ये तो एक जनरल आपको गाइडलाइन दिया कि प्रमाण जो है वो प्रमाण कितने कितने प्रकार का होता है। देखो अपन फिर से अपने तीसरे सूत्र पर आते हैं तो अपने को ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखो ये हो गया तो नौवे नंबर का, अभी दसवें नंबर का सूत्र कहते हैं तत् प्रमाणे। बोलिए तत् प्रमाणे। तत् मतलब लास्ट सूत्र में किसकी बात चर्चा करके आए थे? ज्ञानम, मतलब जो ज्ञान है वह ज्ञान प्रमाण है। तत् ज्ञान, वो जो ज्ञान है वह ज्ञान प्रमाण है। अब देखो यहां पर बोला ज्ञान एक वचन और प्रमाणे में लिया द्विवचन। फलम फले फलानी, संस्कृत ज्यादा ना पढ़ी हो लेकिन इतना तो याद किया होगा ना, कौन सा? कि फलम फले फलानी होता है। फलम फले फलानी का मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है ना, कि एक फल हो तो बोलते हैं फलम, दो फल हो तो बोले फले, और बहुत सारे फल हो तो कहते हैं फलानी। तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानी, ऐसे समझना। तो तत् मतलब वह ज्ञान, एक ज्ञान या एक वचन लिया ना तत् ते तानी, यानी वह ज्ञान प्रमाणे, मतलब दो प्रमाण रूप होता है, प्रमाण में द्विवचन हो गए। तो यहां से उन्होंने ये बात निकल आती है कि प्रमाण के दो भेद होते हैं। देखो अभी अपन अगर पिछली चर्चा करें ना तो प्रमाण का एक था ना विधान कितना है और संख्या कितनी है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी अपन ने लास्ट क्लास में समझे थे ना कि विधान और संख्या का अंतर, तो विधान और संख्या के अंतर है। तो उससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या कहते हैं कि वो प्रमाण का विधान कितना है और संख्या कितनी है, बताइए। कौन बताएगा है? बताइए कि प्रमाण का विधान कितना है और संख्या कितनी है, किसका हाथ उठ रहा है? चलिए कौन? महारथी। देखो मैं ही बता देता हूं, सबसे बड़ा महारथी मैं ही हूं। प्रमाण देखो हमने वहां पे पढ़ा था ना, देखो प्रमाण का विधान है, विधान और संख्या ख्याल में आ रहा है? टाइप, टाइप कहलाता है विधान, और क्वांटिटी वो कहलाती है संख्या। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रमाण दो प्रकार का होता है, और इसमें लिखा भी बहुवचन में प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो प्रमाण दो प्रकार का होता है, तो दो प्रकार हुए उसका विधान टाइप, और पांच भेद होते हैं वो हुई उसकी संख्या, यानी पांच प्रकार का ज्ञान होता है। तो ज्ञान की संख्या कितनी हुई? बोले पांच प्रकार की, और ज्ञान का विधान कितना हुआ? बोले दो प्रकार का। समझ में आया ना? अभी अपन पिछले सूत्र पढ़ गए ना विधान और संख्या का भेद। तो विधान कहलाता है टाइप और संख्या कहलाती है क्वांटिटी। तो प्रमाण का विधान है टू टाइप्स, मतलब दो प्रकार का ज्ञान होता है, प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि प्रमाण की संख्या कितनी होती है तो हम कहते हैं पांच प्रकार की संख्या होती है। कौन कौन सी? तो यहाँ कहा गया मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान, बराबर, जो पहले बताया। ठीक है, अगला सूत्र अपन लेते हैं। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है यहाँ पर, ये आपने कहा पिछले सूत्र में आया ना कि तत् प्रमाणे, ये पांच प्रकार के ज्ञान ही क्या है? प्रमाण है, और कोई प्रमाण क्यों नहीं है? और कुछ भी प्रमाण मान लो ना, इंद्रियों को प्रमाण मान लो है? और दुनिया तो कहती है ना कि पांच इंद्रिय, आंखों देखी बात, कानों सुनी बात है ना, स्वयं अनुभूत बात, ऐसी अलग अलग बोलते ना, तो ये इंद्रिय और सन्निकर्ष को प्रमाण क्यों नहीं माना गया? पहले नंबर जरा अपन समझते हैं ये दो क्या बला है।
इंद्रिय और संधि का। देखो ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी बात, जो विज्ञान आपसे झूठ बोलता है, जो बच्चे आप क्लासों में झूठ पढ़ते हैं, वो ये है कि इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां होती हैं। क्या होती हैं? देयर आर फाइव सेंस ऑर्गन, मतलब इंद्रियों को क्या नाम बोला जाता है? ज्ञानेंद्रिय। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंद्रियां ज्ञान नहीं होती, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों में ज्ञान नहीं होता। जैसे कैसे बोले, जैसे रेत में तेल नहीं होता, जैसे जैसे मिट्टी में क्या कहते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें जो चीज होती है वही होता है। अंधकार में जैसे प्रकाश नहीं है ना, और प्रकाश में जैसे अंधकार नहीं है, ऐसे इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। आप समझो इस बात को, इंद्रियां जड़ है, जड़ में ज्ञान कहां से होगा? सारा जगत आपको गलत पढ़ा देता है और आप गलत मान जाते हो। आप ये मानते हो कि इंद्रियां है तो ज्ञान है इंद्रिय। इसलिए देखो समझना, नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है, नुकसान ये होता है हमारे लिए कि हम इंद्रियों को संभालने में लगे रहते हैं, आत्मा को नहीं संभालते। ये सबसे बड़ा नुकसान। जब हम ये जानते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, तब हमारी चिंता आत्मा नहीं होती, तब हमारी चिंता इंद्रिय होती। हमें ये तो चिंता नहीं होती कि मेरा ज्ञान बिगड़ेगा तो क्या होगा, लेकिन आंख बिगड़ जाएगी तो क्या होगा, इसकी चिंता बहुत होती। ये अंतर हो गया, क्योंकि हमने इंद्रियों को ज्ञान का कारण मान लिया, जबकि इंद्रियां ज्ञान का कारण नहीं है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। इसीलिए तुझे अगर तेरी पूंजी की चिंता है, ज्ञान की चिंता है, तो तू आत्मा की चिंता कर, इंद्रियों की चिंता मत कर। सारा जगत भ्रमित हो रहा है, इंद्रियों को संभालो। आंख के हर 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 डॉक्टर अपने अपने विषय को इम्पोर्टेंट कहता है। डेंटिस्ट के पास में जाओगे तो बोलेगा अगर दांत ही नहीं रहोगे, वो एक आता था ना वज्रदंती, बीको वज्रदंती का एडवर्टाइज, बोले अधिकतर आदमियों का शौक होता है खाना, तो खाने के लिए दांत जरूरी है और दांत के लिए वज्रदंती जरूरी है, तो वो खाने से दांत को जोड़ रहे। फिर और क्या होता है, आंख वाला होता है। अब आंख के हॉस्पिटल में जाओगे तो लिखा रहेगा कि भाई नेत्रदान महादान, आप नेत्र नहीं हो गए तो क्या होगा, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। बराबर ख्याल में, शरीर वाला कहेगा कि देखो चमड़ी ठीक रहेगी तो ही सही हो पाएगा, स्किन वाला स्किन का ट्रीटमेंट बताएगा, बाल वाला बाल का ट्रीटमेंट बताएगा, हार्ट किडनी लीवर, जिसको देखो वो हर एक डॉक्टर अपनी अपनी चीज की विशेषता बता रहे। ये जिनवाणी ऐसी माँ है जो इंद्रियों की बात नहीं करती, वो कहती इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, इंद्रियां ज्ञान रूप नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान आत्मा से होता है। अगर तुझे चिंता करना है तो अपनी आत्मा की कर, इंद्रियों की क्यों कर रहा है? लेकिन हमने इंद्रियों को पकड़ लिया और इंद्रियां ज्ञान है, इसलिए पूरी जिंदगी इंद्रियों को संभालने में लगाए रहते हैं। पांच इंद्रियों की सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, आंख कान नाक मुंह, ये बस अच्छा रहे अच्छा रहे अच्छा रहे अच्छा रहे, ऐसे करते 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 पूरा जीवन पूरा हो जाता है। इसलिए समझना भाई साहब, थोड़ा अभी भी देखो कोरोना कोरोना का समय आया, लॉकडाउन में लोग बंद हुए, तो भाग्यवान ही लोग होंगे कि जो आत्मा के डॉक्टर के पास जा रहे होंगे। बाकी सब लोग तो कैसी बातें कर रहे होंगे, अरे रे समय है थोड़ा एक्सरसाइज करके स्लिम हो जाओ, समय है थोड़ा खान पान का ध्यान रखो, समय है थोड़ा ये कर लो वो कर लो, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी सब लोग अपनी अपनी चिंता में परेशान हैं, आत्मा की तरफ कोई नहीं आ रहा। एक जिनवाणी माँ है जो ये कहती है भाई साहब कि आत्मा को जानोगे तो भलाई है, पर आत्मा को छोड़कर किसी चीज में भलाई नहीं है। ये थोड़ा विचारने वाली बात है। ठीक है, तो अपन यहाँ से अपन निकलते हैं और अगली चर्चा पर आते हैं कि ये जो इंद्रियां की जो अपन ने बात की थी कि भाई इंद्रियों में ज्ञान नहीं है और इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है, तो इंद्रियों में नहीं। और फिर दूसरे नंबर क्या बोला, सन्निकर्ष। सन्निकर्ष सन्निकर्ष क्या है? एक्चुअली में एक मान्यता है, अमुक दर्शन है दुनिया में जो ऐसा मानते हैं कि सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। सन्निकर्ष मतलब जैसे आपको शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है तो सॉरी चाय मीठी है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो बोल देते साहब कि सन्निकर्ष से, मुंह में चखोगे तो पता चल जाएगा, होता है कि नहीं होता? तो सन्निकर्ष से ज्ञान हुआ ना? नहीं भाई साहब, वो आप ये मत समझ लेना कि
कि वो मिठास आपकी जिह्वा से छूने के कारण आई है, भूल में ये जो जो मिठास हुई है उसका कारण ना तो जिह्वा है और ना वो चाय है, वो मिठास का कारण जीव का ज्ञान है। इसका एक मजाकिया रूप आजकल होता है। मजाकिया रूप क्या होता है, माताएं बहनें कोई लजीज व्यंजन बना के फेसबुक पे शेयर कर देती हैं फोटो, बराबर, और बहुत सारे डेढ़ अकल वाले आदमी नीचे कमेंट्स में लिख देते यमी है, मतलब उन्होंने पदार्थ की फोटो रखी और इन वो कमेंट्स लिख देते यमी और जीभ बाहर निकाल देते ना क्या क्या करते, वो कैसे कर रहे हैं, वो सारे लोग ये बता रहे हैं कि देखो सन्निकर से ज्ञान नहीं होता, तो अपने फोटो रखी और हमें ज्ञान हो गया समझ में आया। देखिए विचार सन्निकर अब तो कहने का क्या मतलब, ये तो थोड़ा मजाकिया रूप हुआ, लेकिन वास्तव में समझना आप इस बात को समझना कि ज्ञान हो रहा है, आप ये मत समझ लेना कि ये ज्ञान आपके वो मिठास का ज्ञान उसके कारण हो रहा है कि आपने जीव पे रखा। अरे कल जो चाय आपने पी थी, कल जो चाय आपने पी थी उसका भी ज्ञान आपको है कि नहीं है, वो थोड़ी अभी जवान पर चिपकी हुई है, लेकिन तो भी ज्ञान कैसे है, बोले वो ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से हो रहा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए कोई भी ज्ञान है वह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, यही यहाँ पर नियम आता है। इंद्रिय और सन्निकर्ष से किस किस का ज्ञान नहीं हो सकता, इंद्रिय मतलब पांच इंद्रियां, सन्निकर्ष मतलब पांच इंद्रिय और पदार्थ का संयोग, बराबर, समझे कि नहीं समझे। देखो अब वो उनसे ज्ञान क्यों नहीं होता, तो बताते हैं कि सूक्ष्म दूर और अंतरित पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। देखो सूक्ष्म अंतरित दूर ये हमने कई बार चर्चा में लिया है, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। तीन प्रकार की चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो साइज में छोटी होती है, साइज में छोटी होती है, जैसे परमाणु हुआ, होता है कि नहीं, कोरोना, कोरोना क्या है, सूक्ष्म पदार्थ, आप कितना भी उसे देखना चाहो साला पकड़ में ही नहीं आएगा, अगर पकड़ में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, जैसे ही दिखेगा कोरोना आया कॉकरोच के जैसे भाग जाओ और वो चला जाए तो फिर जाओ, अब वो दिखता नहीं है इसलिए मास्क लगा के घूमो, हाथ धो बार बार, तो कोरोना कौन सा पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ है। देखो आपकी आंख उसे देख सकती है नहीं देख सकती, लेकिन तो भी जानने में आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर इंद्रियों से और मात्र सन्निकर्ष से। अब देखो सन्निकर्ष तो भारत में 7 लाख लोगों को हुआ कोरोना का, लेकिन पूरा भारत कोरोना 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 की माला जप रहा है कि नहीं जप रहा है। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ, लौकिक में कहते हैं ना कि अगर जिसका नाम लो उसकी उम्र बढ़ जाती, उम्र बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती, तो हाँ भारत के 7.25 अरब लोग, दुनिया के 8 अरब लोग औसतन 50 से 100 बार दिन में कोरोना का नाम लेते, तो अगर 50 से 100 बार अगर हम कोरोना का नाम ले रहे हैं तो उस कोरोना की आयु बेटे की कितनी बढ़ रही होगी, जरा विचार है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि भाई इतना कोरोना को मत जपो, जितना कोरोना को आप नाम लेते हो उतना आत्मा का नाम लिया होता, परमात्मा का नाम लिया होता तो कुछ लाभ होता, पुण्य बनता और पुण्य बनने से कोरोना का आना भी घट जाता, लेकिन जितने लोग भी कोरोना 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 की माला जप रहे हैं वो उतना पाप बांध रहे हैं, उतना आर्तरोध्यान कर रहे हैं और उस आर्तरोध्यान के दुष्परिणाम स्वरूप उतने बीमार होने की शक्यता है। समझ में आया कि नहीं, ये सीधी गणित बोल रहा हूँ करुणानियोग की, अपने मन की बात नहीं बोल रहा। तो पॉइंट समझ में आया कि कोरोना सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म आंखों से दिखता नहीं है तो भी हमें ज्ञान है। कोरोना का सन्निकर्ष तो 7 लाख लोगों को हुआ, लेकिन पूरा भारत उसके बारे में जान रहा है, पूरी दुनिया उसके बारे में जान रही है, मतलब सन्निकर्ष मात्र से ज्ञान नहीं होता। अगर अब देखो न्याय, अगर इंद्रिय और सन्निकर्ष से ही ज्ञान होता तो जिन 7 लाख लोगों ने कोरोना का सन्निकर्ष किया मतलब साथ में आए और जो उनको ही उसका ज्ञान होता और किसी को ज्ञान नहीं होता, सबको ज्ञान हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि कोरोना
सूक्ष्म होते हुए भी, सन्निकर्ष नहीं होते हुए भी ज्ञान का विषय है, मतलब जानने वाला इंद्रिय नहीं है, न्याय सिद्ध हुआ। एक बात, दूसरे नंबर की बात, दूरवर्ती पदार्थ, आपकी आंख की लिमिट, आप देखो, सोचो जरा कि आपको ये ठंडा है कि गर्म है, कैसे पता कर पाओगे आप टच करके? बराबर, कोई सुगंध है कि दुर्गंध है तो ऐसे नाक जाके सुनकर पता कर पाओगे? तो थोड़ा वो एक में टच करके रहा, एक में थोड़ा नजदीक लाए, थोड़ी नाक की मर्यादा दूर किए कि एक दो फीट दूर से बता देती है, फिर आंख की मर्यादा और दूर किए कि 25-30 फीट का ज्ञान आपको हो जाता है, लेकिन 25 और कान की मर्यादा और दूर किए कि 40-50 फीट का ज्ञान आपको हो जाता है, लेकिन पदार्थ तो 40-50 फीट के आगे भी रहते हैं, उनका ज्ञान कैसे होगा? जबकि ज्ञान बुरा तो जो पांच इंद्रिय की रेंज से बाहर है उन पदार्थों का भी ज्ञान हो रहा है, किसके द्वारा? मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहा, ये ज्ञान से हो रहा है। किससे हो रहा है? ज्ञान से। समझो, अगर इंद्रियों से ज्ञान होता तो हमारा ज्ञान जितनी पांच इंद्रियों की रेंज है ना वहीं तक जान पाते, उसके आगे नहीं जान पाते। लेकिन आज हम देखो बैठे बैठे कहीं के मन में विचार करो और मन में विचार करके आप एक एक सोच के देखो, अमेरिका का भी जान सकते कि नहीं जान सकते, अफ्रीका के बारे में भी जान सकते कि नहीं जान सकते। सिलवानी मेरे से 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर मुझे जानना है सिलवानी को तो मुझे सिलवानी में लैंड होने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे मैं अपने घर को देख सकता हूँ, मेरे परिवार वालों को देख सकता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को देख सकता हूँ, यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ। बोले नहीं सब, वो तो लैपटॉप में देख रहे हो। अरे लैपटॉप में नहीं, आंख बंद करके मैं मेरी ज्ञान की ताकत से देख सकता हूं। वीडियो कॉल से ही वीडियो आने लगा ऐसा थोड़ी है, मन का वीडियो तो अनादि से चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि अगर वीडियो कॉलिंग से आपने देख लिया तो ही आपको ज्ञान हो रहा है, वीडियो कॉलिंग नहीं होती तो ज्ञान नहीं होता। अरे भाई साहब, उन माँ से पूछो जो महीने में फौजी आर्मी वाला जो 6-6 महीने तक अपने परिवार वालों को नहीं देख पाता, लेकिन एक क्षण के लिए भी उसके चेहरे से, उसके मन से अपने परिवार का, अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का चेहरा हटता नहीं है। विथाउट वीडियो कॉलिंग, ये नॉन इंटरनेट जमाने की बात से गिन के देखो। मतलब ये नहीं समझना, ज्ञान को इंद्रिय की जरूरत है। अगर इंद्रियों से ज्ञान होता तो दूरवर्ती चीजों का ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि इंद्रियां दूरवर्ती चीजों को नहीं देख पाती। तो जो एरिया वाइज दूर है, डिस्टेंसिंग के लेवल पर दूर है, वो दूरवर्ती कहलाते हैं। और अंतरित क्या कहलाते हैं? अंतरित मतलब काल के एंगल से दूर है। कौन से एंगल से? काल। अब यहाँ पे तो प्रत्यक्ष आपको समझ में आता है ना कि आपका बचपन, आप बचपन में क्या करते थे, कौन से पेड़ पर चढ़ते थे, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, ये सब चीजें आपको अभी भी दिख रही कि नहीं दिख रही? कैसे दिख रही? कैसे दिखी? वो सब तो गायब हो गई, लेकिन आपके ज्ञान में है। अगर इंद्रिय मात्र से ज्ञान होता, ध्यान से समझना, अगर इंद्रिय मात्र से ज्ञान होता तो जो भूत में हो गया उसको हम रत्ती भर नहीं जान पाते, क्योंकि आंख तो भी वर्तमान को देख रही है, तो भूत का वो कैसे देख पाते? और कई बार आप देखते हो ना, व्यक्ति बड़ा परेशान, जैसे फ्री होता है ना, दो दोस्त मिले और दो दोस्त मिलते ही कहाँ खो जाते हैं, हम कॉलेज में ऐसा करते थे, हम स्कूल में ऐसा करते थे, और मिलना जुलना होता क्या? मैं बहुत मिला जुला हूँ लोगों से, दोस्तों से मिला, संबंधियों से मिला, कभी जब पूरी बातें होती हैं तो विचार करता हूँ कि क्या किया, तो सच बताऊं एक ही उत्तर आता है, गड़े मुर्दे उखाड़े। यही होता है कि नहीं होता है? सच बताओ ईमानदारी के साथ में। हम सब जब भी ये कहते हैं कि हमें सब सबसे बातें करनी चाहिए, मिलना चाहिए, तब हम करते क्या? एक्चुअली हम क्या करते हैं? एक्चुअली हम देखा जाए तो हम गड़े मुर्दे उखाड़ते। गड़े मुर्दे उखाड़ते मतलब अगर दो दोस्त मिले, जैसे मेरे स्कूल वाले मित्र मिले, तो मैं किसके बारे में बात करूंगा? स्कूल के। अब वो स्कूल भी बिल्डिंग भी नष्ट हो गई हो और तेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हो तो भी हम चर्चा किसकी करने लगते हैं? स्कूल की। कॉलेज वाले फ्रेंड मिले तो कॉलेज की, हॉस्टल वाले फ्रेंड मिले तो हॉस्टल की। ये जीव का स्वभाव है कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ता है। तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की भी जो कला है उसकी ताकत भी तो आत्मा ही में है ना, वो कहीं बाहर से तो आई नहीं,
क्योंकि आत्मा के अंदर एक ज्ञान नाम का गुण है और ज्ञान नाम के गुण के कारण जो चीज पहले हो चुकी है उसको भी वो जानता है। अगर मात्र इंद्रियों से ज्ञान होता तो जो चीज हो गई उसका जानना कभी नहीं हो पाता, अथवा जो चीज होगी। अब सोचो ये एक कितनी बड़ी बात है, जो चीज होगी उसके बारे में जानना होता है कि नहीं होता। आज कितने लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, साहब ह्यूमन ट्रायल हो जाएगा, वैक्सीन हो जाएगी, इकोनॉमी गिर जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये सब क्या कर रहे हैं? वो फेस टाइम वाला होता है कि आप बुढ़ापे में कैसे दिखोगे इसका चित्र बता देता है। मतलब आप तो जान रहे हैं आपके बारे में, वो मोबाइल एप्लीकेशन वाला भी जान रहा है कि आप 60 साल की उम्र में कैसे दिखोगे। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, क्योंकि अगर ज्ञान इंद्रियों से होता तो जो घटना हो गई है अथवा होगी वो आपके ज्ञान का विषय नहीं बन पाती, क्योंकि कोई भी इंद्रियों से कैच नहीं कर पाती। लेकिन हम फील क्या करते हैं कि वो सारी चीजें मेरे जानने में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि मैं, दम से बोलो, मैं इंद्रियों से नहीं आत्मा से जानता हूं। इसीलिए इंद्रिय बिगड़े सुधरे कम ज्यादा हो इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी आत्मा की चिंता है और आत्मा की चिंता करने वाला सुखी रहता है, शरीर की चिंता करने वाला दुखी रहता है। समझ में आया? देखो, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि इंद्रिय और सन्निकट से सूक्ष्म दूरांतरित पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए पांच ज्ञान ही, ये पांच ज्ञान ही क्या है? प्रमाण है। अब उन पांच ज्ञान में अपन जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पांच ज्ञान में आद्य परोक्षम, मतलब आदि के दो ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष प्रमाण वाले हैं। परोक्ष की व्याख्या हम पढ़कर आए कि परोक्ष की व्याख्या क्या होती है और अशेष क्या है? प्रत्यक्षम अन्यत। अब देखो यहाँ पे एक सुंदर बात यहाँ पे निकल के आती है, आद्य परोक्षम कि आदि के परोक्ष हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ये दो ज्ञान परोक्ष कैसे बोल दिया आपने? आपने क्रम बताया ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। तो आदि के परोक्ष है, तो आदि का एक ज्ञान भी तो परोक्ष हो सकता है, आदि के तीन ज्ञान भी तो परोक्ष हो सकते हैं, ये दो कैसे निकल गया? तो इसके लिए फिर से आपको संस्कृत में जाना पड़ेगा। आचार्य ने यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया है, द्विवचन मतलब फलम फले, तो आद्यम आद्य। देखो एक शब्द रूप से कितने सूत्र समझ रहे हो, तो आद्य मतलब आदि के दो। क्यों दो कहां से निकला? वो दो विभक्ति में लिखा हुआ है आद्य, बराबर। आज आप देखना अपने बच्चों की संस्कृत की किताब, उसमें जो फलम फले फलानी वाले शब्द रूप है ना, वो देखना। तो आद्य मतलब आदि के दो ज्ञान परोक्ष हैं, बराबर। और आगे का क्या बोला? प्रत्यक्षम अन्यत की मतलब शेष ज्ञान क्या है? सारे प्रत्यक्ष हैं। परिभाषा क्या है? वो यहां पर आ रही है, परोक्ष और प्रत्यक्ष की। फिर से हमने लास्ट में शुरू में चर्चा की थी ना कि यहाँ परोक्ष का मतलब ये नहीं है कि जिससे जो आंख इंद्रियों से दूर जाए वो परोक्ष और जो इंद्रियों के सामने हो वो प्रत्यक्ष। मतलब टीवी पे देखा कश्मीर तो परोक्ष ज्ञान और सीधे देखा तो प्रत्यक्ष ज्ञान, टीवी पर मैच देखा तो परोक्ष ज्ञान और स्टेडियम में मैच देखा तो परोक्ष ज्ञान, बोले ये व्याख्या यहाँ नहीं है, ये व्याख्या गलत। यहाँ क्या समझना कि जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा, किसके द्वारा, किसकी सहायता के द्वारा? इंद्रिय और मन की सहायता। देखो हमने ये बोला है कि इंद्रियों में ज्ञान नहीं है लेकिन इंद्रियां ज्ञान में सहायक। पॉइंट समझ में आया? फिर से इंद्रियों में, हमने इंद्रियों में ज्ञान पने का निषेध किया लेकिन कोई कह कि आपने तो ज्ञान पने का निषेध कर दिया तो मैं अपनी आंखें फोड़ लूं, बोले नहीं, फोड़ने की बात नहीं है। इंद्रियों में ज्ञान नहीं है लेकिन इंद्रियां ज्ञान में सहायक। जैसे आपको पानी पीना हो ना, पानी, तो आप क्या करोगे? बोले कांच का गिलास लोगे, स्टील का गिलास लोगे, चांदी का गिलास लोगे। अरे अधिक क्या कहे, गिलास नहीं होगा तो पानी में डालने वाला होता है ना,
उलीचना उससे पी लोगे, वो भी नहीं होगा तो लोटे से पी लोगे, जग से पी लोगे, बॉटल से पी लोगे, कुछ भी हो तो हाथ, कुछ नहीं होगा तो हाथ को ऐसे बना के पी लोगे, लेकिन पानी को पीना तो पड़ेगा। हाथ में, गिलास में, बॉटल में, उलीचने में पानी नहीं है, लेकिन पानी पीने के लिए इनकी जरूरत होती है, बराबर। ये खाली आपकी प्यास बुझाने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही इंद्रियां हैं कि आंख में, कान में, नाक में, मुंह में, शरीर में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान होने में इनकी सहायता होती है, बराबर। तो ये ज्ञान इंद्रिय नहीं है, लेकिन ज्ञान की सहायक इंद्रियां हैं। पॉइंट समझ में आया? फिर से, जो आप पांच ज्ञान इंद्रियां बोलते हो, ये इन इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में है, और वो आत्मा की सहायक ये पांच इंद्रियां होती है। तो जिस ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता होती है, हेल्प होती है, वो ज्ञान कहलाता है परोक्ष ज्ञान, परोक्ष, बराबर। तो आदि के कौन से दो ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, कौन से ज्ञान आए? परोक्ष ज्ञान। अब दूसरा, प्रत्यक्ष क्या कहलाता है? बोले प्रत्यक्ष बिना किसी की सहायता के, केवल आत्मा के द्वारा पदार्थ को स्पष्ट जानना। प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब होता है आत्मा, और आत्मा जब किसी की सहायता के बिना, किसी की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा से, बराबर होता है ना, पशु किसी पात्र में पानी नहीं पीते। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या उल्टा हो रहा है कि पानी पीने के लिए किसी पात्र का प्रयोग करना अच्छाई का चिन्ह माना जाता है, लेकिन ज्ञान के लिए पांच इंद्री के पात्र का प्रयोग करना है बुराई का चिन्ह, बराबर। पशु बिना पात्र के सीधे सरोवर से पानी पीते हैं, ऐसे ज्ञानी होते ना परमात्मा, वो ज्ञान के लिए इंद्रियों के पात्र की जरूरत नहीं रखते, वो सीधे आत्मा के समुद्र से पानी पीते हैं, बराबर। ऐसा ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। बिना किसी की सहायता के, केवल आत्मा के द्वारा, कि ऐसा नहीं है कि आत्मा के ज्ञान के लिए भी किसी की आपको जरूरत पड़े, बिना किसी की सहायता से, डायरेक्ट आत्मा से, अवधि ज्ञान में, मना परे ज्ञान में, और केवल ज्ञान में किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। आज हमको आपको पढ़ाना है तो लाइट भी जलानी पड़ती है, कंप्यूटर भी, आपको भी हमारे सामने आना पड़ता है, हमको आपके सामने आना पड़ता है, लेकिन अगर कोई अवधि ज्ञानी को अगर तत्पर सूत्र पढ़ना है तो वो कहीं पर भी बैठे बैठे विचार कर लेगा, और उस बिना सहायता के भी उसको ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञानी तो लोकालोक को जान ही रहे, समझ में आया? इसीलिए बिना किसी की हेल्प के, आत्मा के द्वारा पदार्थों के स्पष्ट जान